action that has taken place. Honourable Prime Minister. Mananiya Sabhapati ji. नए जनादेश के बाद आज पहली बार राज्यसभा के सभी आदरणीय सदस्यों के बीच अपनी बात करने का मुझे अवसर मिला है। पहले से अधिक जनसमर्थन के साथ और अधिक विश्वास के साथ हमें दोबारा देश की सेवा करने का अवसर देशवासियों ने दिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस दूसरे टर्म के प्रारंभ में ही हमारे सदन के आदरणीय सदस्य मदन लाल जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्यसभा के हर सत्र में अरुण जी की वाक्पटुता, उसको सुनने के लिए हर कोई सदस्य बड़ा उत्सुक रहता है। लेकिन इन दोनों वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर के फिर से हमें वो सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे विश्वास है। नेता के रूप में श्रीमान थावरचंद जी गहलोत सदन में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। पिछले दो दिन से जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, हमारे मित्र श्री डी राजा जी, श्री डेरेक ओबराय, रामगोपाल यादव जी, भजित मेमन जी, रामदास अठवले जी, टीके रंगरागन जी, जेपी नड्डा जी, सपनदास गुप्ता जी, करीब 50 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को समृद्ध किया है। सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात बताई है, कहीं खट्टापन भी था, कहीं तीखापन भी था, कभी व्यंग्य भी था, कहीं आक्रोश भी था, कहीं पर रचनात्मक सुझाव भी थे, कहीं जनता जनार्दन का अभिवादन भी था। हर प्रकार के भाव यहां प्रकट हुए हैं। और कुछ लोग वो भी थे जिनको मैदान में जाने का मौका नहीं मिला, तो वहां जो गुस्सा निकलना चाहिए था वो शायद यहां निकाला। तो ये भी देखा। माननीय सभापति जी, ये चुनाव बहुत खास रहा है। कई दशकों के बाद दोबारा एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना भारत के मतदाताओं के मन में राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या है, एक परिपक्व मतदाता की इसमें सुगंध महसूस होती है। और ये सिर्फ इस चुनाव में हुआ ऐसा नहीं, लगातार पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं देश में, उसमें हमारे देश के मतदाताओं ने किसी भी दल को स्थान दिया लेकिन बहुतेक स्थिरता को बल दिया है। ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत ही सुखद निशानी है। इस चुनाव संगठन का काम करता था तब भी बहुत चुनाव अभियानों को देखा है, चुनाव संचालन किए हैं। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आने के बाद चुनाव लड़ना लड़ाने का भी अवसर मिला है। लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जबकि चुनाव
स्वयं जनता जनार्दन लड़ती है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से दलों से भी परे देश की जनता लड़ रही थी। देश की जनता ने इस पूरे चुनाव को अपने सर पर उठा लिया था और जनता खुद सरकार के कामों की बात लोगों तक पहुंचाती थी। जिसे लाभ नहीं पहुंचा वो भी उस विश्वास से बात कर रहा था कि उसको मिला है, मुझे भी मिलने वाला है। ये जो विश्वास है इस चुनाव के नतीजों में एक बहुत बड़ी अहम उसकी विशेषता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के कोने कोने में जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर मिला, स्वयं जाकर के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, भारत का एक परिपक्व लोकतंत्र हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, चुनाव अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसकी ग्लोबल वैल्यू होती है। उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारण, विचारों में पनपी हुई विकृति के कारण, इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए लेकिन देश चुनाव हार गया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। यह एक सामान्य वाक्य नहीं है, एक गंभीर रूप से देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और जब यह बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया? क्या और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया, मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं चाहिए, सीमा का कहां सवाल है। लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई है। देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है, इतना ही नहीं आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है। और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए है, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए। और हमारा, हम इस चुनाव में देखें 40-45 डिग्री टेम्परेचर और लोग दिन दिन भर कतार में खड़े, 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे। कई ऐसे चुनाव का काम का जिम्मेवारी संभालने वाले अधिकारी, 2 दिन पहले मां की मृत्यु हुई है, लेकिन चूंकि चुनाव के अधिकारी के नीचे जिम्मेवारी है, वो ईवीएम मशीन का दफ्तर उठा करके
किसी गांव में गया है ड्यूटी करने के लिए, कितने कितने लोगों के तपस्या के बाद ये चुनाव होता है और हम ऐसे ही देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। हम उससे आगे बढ़ गए, पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया। हमने ये भी कह दिया देश के किसानों का अपमान कर दिया, हमने यहां तक कह दिया देश का किसान बिकाऊ है, 2,000 रुपए की योजना के कारण किसानों के वोट खरीद लिए गए। मैं मानता हूं इस देश के किसान को ऐसे अपमानित करना नहीं चाहिए। मेरा देश का किसान, हमारे देश का किसान बिकाऊ नहीं है। हमारा देश का किसान तो वो है जब अन्न पैदा करता है, काली मजदूरी करके अन्न पैदा करता है, वो कभी सोचता नहीं है कि मैंने मेहनत करके जो अन्न पैदा किया है वो किसके पेट में जाएगा, गरीब के पेट में जाएगा कि अमीर के पेट में जाएगा, वो कभी नहीं सोचता है। उस किसान के लिए हम ये कह दें कि हमारे देश में, मैं समझता हूँ 15 करोड़ किसान परिवारों को पड़े अपने अपमानित किया इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके कि 2,000 रुपये की स्कीम के कारण वो बिक गए। मैं हैरान हूं, मीडिया को भी गालियां दी गई, मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। हम कहां खड़े हैं? मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं, मीडिया बिकाऊ है क्या? मीडिया कोई खरीद लेता है क्या और खरीद करके करते हैं? और जिन राज्यों में, क्या तमिलनाडु में भी यही लागू होगा क्या? क्या केरल में यही लागू होगा क्या? हम उन बातों को करें जिस बातों में कोई, क्योंकि ये सदन ऐसा ही, सदन में बोली गई बातों का अपना एक महत्व होता है। हम कुछ भी कहते रहते हैं और ठीक है अखबारों में हेडलाइन मिल जाएगी, लेकिन भारत का लोकतंत्र जिसमें दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा है, हमने गर्व होना चाहिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है और इस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग मुझे मिले थे तब मैंने उनसे कहा था, जो निवृत्तमान होते थे वो जब मिलने आए तो उनको कहता था, मैंने कहा हमारी एक ऐसी बड़ी अमानत है ये चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्थाएं विश्व के सामने जानी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी विशालता और व्यापकता, 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 650 राजनीतिक दल, 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स, कितना बड़ा रूप व्यापकता। हम इस बात को दुनिया के सामने रखें, कितना गर्व हो सकता है, दुनिया को आश्चर्य होगा। मैं समझता हूं कि हम अपने निजी राजनीतिक कारणों से, हम इस प्रकार से कहें, इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात नजर आई है, हमारी बहन बेटियों ने जो कमाल की है। हमारे देश में चुनाव पहले से होते हैं, महिलाओं को मतदान पहले से मिला हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा पुरुष और स्त्री के मतदान में करीब करीब 9-10% का मार्जिन रहता था, पुरुष का मतदान करीब करीब 9% ज्यादा रहता था, पहली बार ये करीब करीब 0 हो गया। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र के एक उज्जवल निशानी है। हम उसमें से उन चीजों को देखें और इस बार खुशी है कि करीब 78 सांसद महिला हमारी बहनें चुन करके आई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जीत करके आए इतना नहीं है, इस चुनाव की एक विशेषता है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी कोने में बहुमत के साथ बीजेपी और एनडीए जीत कर आई। ऐसा नहीं कि एक कोने में है, सब दूर उसको हमें स्वीकृति मिली है। जो लोग हार गए हैं, जिनके सपने चूर चूर हो चुके हैं, जिनके अहंकार को चोट पहुंची है, वो देश के मतदाताओं का अभिवादन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं सर झुका करके भारत के कोटि कोटि मतदाताओं का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाने वाली उस व्यवस्था सूझ के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे सब अफसर, सिक्योरिटी के लोग, इलेक्शन कमीशन, ये सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर ईवीएम की चर्चा भी काफी हो रही है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना, ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं,
सभापति जी, कभी हम भी सदन में दो रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता दो या तीन बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। इतने बुरे दिन हमने देखे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, हमारे विचार पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा था और परिश्रम करने की, त्याग करने की, पराकाष्ठा करने की हमारी तैयारी थी। उस निराशाजनक वातावरण में विश्वास पैदा कर करके हमने पार्टी को फिर से खड़ा किया, हमसे हमारे आगे की पीढ़ी ने काम किया, लेकिन करके दिखाया। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। हमने उस समय पोलिंग बूथ कैप ये हुआ था, डिकना हुआ था, ये हुआ था, इसलिए हम हार गए, रोना धोना नहीं, हार गए, फिर से काम करेंगे, पुनश्चर्य हम निकल पड़े और हम परिणाम भी लेकर के आते चले आए। लेकिन जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तब फिर बहाने खोजे जाते हैं। और इसलिए आत्मचिंतन करने की जिनकी तैयारी नहीं है, दोष स्वीकारने की तैयारी नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं, ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए ताकि फिर अपने साथियों के सामने तो कम से कम हम बता सकते हैं, देखो देखो हम तो बहुत अच्छा काम किया है, हम नहीं हारे, वो तो ईवीएम के कारण हारे। मैं समझता हूं इस प्रकार से न हम राजनीतिक कैडर का भला करेंगे, राजनीतिक कैडर को निराश करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो आगे आइए, अपने कैडर को तैयार कीजिए, फिर और चुनाव एक थोड़ा पूरा हो गया और चुनाव आने वाले हैं, इस प्रकार की निराशा का क्या मतलब है। और इसलिए माननीय सभापति जी, पहला एक समय था, चुनाव की प्रक्रिया हमने सब प्रकार की देखी है, चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार होता गया है। प्रारंभिक जो चुनाव हुए 52 के बाद की शुरू के कालखंड के, महीनों महीनों तक चलते थे, बॉक्स ले लेकर के गांव गांव जाते थे पुराने लोग, जो हम तो उस समय बहुत बच्चे थे, लेकिन जो सुना है उसमें से सुधार करते 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 यहां पहुंचे। एक निरंतर प्रक्रिया है सुधार की, और इसलिए उस सुधार प्रक्रिया को, और पहले का जमाना देख लीजिए क्या था, चुनाव के बाद अखबारों की हेडलाइन क्या होती थी, अखबारों की हेडलाइन यही होती थी कि इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने बूथ कैप्चर हुए, ये तीन मेन न्यूज रहते थे। आज ईवीएम का कारण खबर एक ही होती है कि पहले की तुलना में मतदान कितने प्रतिशत बढ़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि हमने, और हम जानते हैं पहले कैसा होता था, बूथ कैप्चर करना, लूट करना, जो दबांग लोग थे उन्हीं के हाथ में था, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के। और जब से सही अर्थ में लोकतंत्र की प्रक्रिया आई है, ऐसे लोगों का हारने का क्रम भी तभी से शुरू हुआ है, इसलिए उनको उस वापिस जगह पे जाना। देश लोकतंत्र को इस प्रकार से दबोचने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर सकता है। माननीय सभापति जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं देश के सामने भी बात बताना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे पहले 1977 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई, और तब तो हम राजनीति में कहीं नजर नहीं आते थे, हम तो बहुत दूर बैठे थे जी। 77 में चर्चा शुरू हुई, 1982 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया, 1988 में हम नहीं थे, इसी सदन में बैठे हुए उस समय के महानुभावों ने कानूनन इस व्यवस्था को स्वीकृति दी, कानून बनाया। इतना ही नहीं, 1992 में कांग्रेस के ही नेतृत्व में इस ईवीएम को लेकर के सारे रूल्स बनाए गए। यानी एक प्रकार से जो कहते हैं हमने किया हमने किया हमने किया, तो ये भी तो आप ही ने किया, आप हार गए इसलिए रो रहे हो, ये क्या तरीका है। और इसलिए मैं समझता हूं, और ईवीएम से इस देश में अब तक विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, स्टेट असेंबलीज के 113 चुनाव हुए हैं ईवीएम मशीन से, और यहां उपस्थित करीब करीब सभी दलों को
उसी ईवीएम से चुनाव जीत करके सत्ता में आने का या सत्ता में भागीदार होने का अवसर मिला। 113 असेंबली के चुनाव हुए हैं, 4 लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी दल बदले हैं, अलग अलग लोग जीत करके आए हैं। और आज पराजय के लिए हम इस प्रकार की बातें करते हैं, 2001 के बाद विभिन्न हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर के मसले उठाए गए हैं। सारे परीक्षण के बाद ईवीएम पर सारी चीजों में सभी देश के न्यायपालिकाओं ने पॉजिटिव अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 2017 में जब इतना बड़ा हो हल्ला हुआ, क्योंकि पराजित लोगों की इकोसिस्टम अभी काम कर रही है, चारों तरफ हो हल्ला खड़ा हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ने चैलेंज रूप में कहा कि मैं ये रखता हूं, आप आइए, गलत है तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। जो लोग आज ईवीएम के गीत गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं, एक भी दल वहां गया नहीं, 2 पार्टियां गई, एनसीपी एंड सीपीआई। लेकिन उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कहा जरा हमें समझाइए हाउ ईवीएम ऑपरेट्स, सिर्फ समझने का प्रयास किया। लेकिन कम से कम एनसीपी और सीपीआई के लोग गए, बाकी लोग तो इलेक्शन कमीशन के निमंत्रण के बाद भी गए नहीं, जिस पर वो शक कर रहे थे। और ये अपप्रचार और ये प्रकार के एक निश्चित प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गए, कभी हम भी मानने लग गए थे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ है, हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी। लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया, और हमने खुद ने भी ईवीएम के विषय में शक किया था। जब सारी चीजें समझे तो हमारी पार्टी में भी उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि गलत रास्ता है अपना, और हमने सही रास्ते पर चले। टेक्नोलॉजी है, समझनी चाहिए, समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस बातों को लेकर के आदरणीय सभापति जी, फिर वीवीपैट की बात आई, बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरे चुनाव के वातावरण को डिरेल करने के लिए इसको एक साधन बनाया गया। हर शाम इलेक्शन कमीशन में जाओ, होल्ला करो, मीडिया में जगह ले लो, सामान्य मतदाता के मन में विश्वास पैदा करने के बाद अविश्वास पैदा करना, ये वातावरण बनाया गया। वीवीपैट का क्या हुआ? जितनी आशंकाओं को लेकर के गए, हम सब साक्षी हैं कि वीवीपैट ने फिर एक बार ईवीएम की ताकत को बढ़ा दिया, परिणाम सामने। अरे देख, मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आपने इतने सालों तक शासन किया है, देश की एक मुख्य धारा राजनीति की आपके पास रही है लंबे अरसे तक, अनुभव से आप मुझे कहना पड़ेगा कि आपके कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप विजय भी नहीं पचा पाते हैं। आजादी के इतने साल इतने विजय प्राप्त हुए, आप विजय नहीं पचा पाए। और 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं आप पराजय को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई हेल्दी ग्रोथ हो रहा है किसी राज्य, और भारत में लोकतंत्र में हर दल का अपना एक स्थान है, महत्व है, उसका आदरपूर्वक सम्मान होना चाहिए, और उसके प्रति हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए हर दल के प्रति, तभी तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन न हम पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और न ही हम विजय को पचाने का सामर्थ्य रखते हैं। और वो अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अभी तो विजय हुआ और कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी खबरें आने लगी, हैरान हो जाते हैं जी। और इसलिए कृपा करके चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं, हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए,
ये एक बार पांच साल में एक बार चुनाव आए, महीना दो महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई, सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता। और मैं बता दूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, क्योंकि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का है, वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर्ज होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बांध में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है, और आप आज उस विरोध। कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं, कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है, उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है, उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के, जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं, देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया, उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे, ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए, लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है। कभी कभी ये मैं सोच रहा हूं क्या सिर्फ ईवीएम का विरोध करते हैं? जी नहीं, हमने विरोधी दल का मतलब मुझे लगता है कि लेटर एंड स्पिरिट में पकड़ लिया है। विरोधी यानी विरोधी करना, ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिशन ही करना। मुझे याद है इसी सदन में मैं बैठा था और विद्वान लोग ऐसा भाषण कर रहे थे, बड़े बड़े, अपने आप को ऐसा मानते हैं जब भगवान बुद्धि बांटने निकला तो वही पहले कतार में खड़े थे, ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन संभव नहीं है, गरीब आदमी को डिजिटल कैसे, मोबाइल फोन कैसे पकड़ेगा, ऐसे भाषण हुए थे। मैं हैरान हूं जी, उसका भी हमने विरोध किया, हमने आधार को विरोध किया। आप जब थे आधार महान, हम जब आधार से करप्शन को कम करने की कोशिश कर रहे तो आधार संकट हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखट रहे हैं आधार को रोकने के लिए कोशिश कर। हम अगर आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया इंडिया बनाना चाहते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी से कितना दूर भागेंगे? सेफगार्ड के लिए सचेत प्रयास करना, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, समय से प्रोवाइड करती है, लेकिन हम चीजों से भागते रहेंगे। जीएसटी उसका विरोध, ईवीएम उसका विरोध, डिजिटल उसका विरोध, भीम ऐप उसका विरोध, हर चीज में यह नकारात्मकता। और इस पराजय बहुत कारणों की चर्चा होती है, मुझे क्षमा करना, इस सदन में
जिन दलों का व्यवहार पिछले पांच साल, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, रुकावट डालने का रहा है, अड़ंगे डालने का रहा है, जन सामान्य के निर्णय से बैठी हुई सरकार को काम न करने का रहा है, उन सबको देशवासियों ने सजा की है। यानी राज्यसभा में जो गतिविधि होती है, आज देश का मतदाता इतना समझदार है, वो भी इन चीजों को नोटिस कर रहा है और अपना नतीजा देते समय सिर्फ लोकसभा में किसने क्या किया उस पर नहीं, राज्यसभा में किसने क्या किया उसके आधार पर भी वोट कर रहा है, ये चुनाव में देखा गया है। और उससे आने वाले पांच साल का सबक सीखने के लिए अवसर है, सबके लिए है कि हम राज्यसभा में चुनी हुई सरकार की बातों को कहां कहां रोकते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं हैरान हूं, अब न्यू इंडिया का विरोध होने लग गया, क्या कारण है? मैं ये तो समझ सकता हूं भाई, न्यू इंडिया में तुम्हारी जो 10 बातें हैं, 5 तो ठीक है, 5 बेकार है। मैं ये तो समझ सकता हूं कोई ये कहें भाई न्यू इंडिया का कंसेप्ट देश को आगे बढ़ना है, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं किया था, डिक्ने नहीं किया था, इसलिए हमको भी नहीं करना। अरे कौन क्या करता है, छोड़ो यार, हम 5000 साल पुराना देश है, दुनिया की एक महान परंपरा लेकर के आए हुए लोग हैं, और ने किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ना है और दुनिया के अंदर हमने अपना नाम ऊंचा करना है। ये काम 125 करोड़ का देश है, क्यों ना सपना देखे। हम ये कह सकते भाई ये 10 ठीक नहीं है, हमारी ये 5 ठीक है, उसके लिए प्रयास करें, लेकिन देश के लोगों को निराशा की ओर धकेलने का पाप न करें। हम उसमें मॉडिफाई करें, हम उसमें सुधार करें, हम उसमें कहें ये 4 ठीक है, 4 ठीक नहीं है, ये सब लोकतंत्र की परंपरा में अवकार्य है, लेकिन आउटराइट इस प्रकार से हम कहेंगे, और हमें तो पुराने ओल्ड इंडिया चाहिए। क्यों भाई? इसलिए वो ओल्ड इंडिया जहां कैबिनेट के निर्णय को पत्रकार परिषद में फाड़ दिया जाए, वो ओल्ड इंडिया चाहिए हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि सैर सपाटे के लिए पूरी नौसेना काम में मदद में आ जाए, ऐसा है ऑल इंडिया चाहिए हमें वो ऑल इंडिया चाहिए कि जो जल थल नभ घोटाले की खबरों से देश परेशान रहे, क्या ऐसा कहे? हमें वो ऑल इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए, ऐसे ऑल इंडिया की जरूरत है क्या? रेलवे रिजर्वेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़े जब तक बिचौलिया ना आए, रेल रिजर्वेशन ना बने, क्या ऐसा ऑल इंडिया चाहिए हमें? क्या हमें ऐसा ऑल इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एमपी के घर के कतार लेकर के खड़ा रहना पड़े, एमपी 25 कूपन को लेकर के मारा मारा घूमता रहे, क्या ऐसा ऑल इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ऑल इंडिया चाहिए? पासपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े, क्या वो ऑल इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वो इंडिया चाहिए जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? हमें वो ऑल इंडिया चाहिए जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, प्यून का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन, क्या वो ऑल इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूं जी, हम देश की जनता हिंदुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार है। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रहा है, और हम सबने सामूहिक प्रयत्न से सामान्य मानवीय के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो प्रयास हम कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमने कोशिश की है, पहले या तो दिया जलाओ, रिबिन काटो, या नीति घोषित करो, उसी को सरकार का काम माना जाता है। लास्ट माइल डिलीवरी, ये जैसे हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, यह रहा, उस पूरे कल्चर को हमने बदला है, हमने नीति भी बदली, हमने रणनीति बदली, हमने वृत्ति और प्रवृत्ति को भी बदला है, और उसका परिणाम है अब यहां कहा जाता है हमने किया हमने किया, लेकिन गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे, क्या यूपीए के समय नहीं बनते थे? बनते थे, हमने भी बनाए। आप कहेंगे क्या नया किया? नया ये किया कि आप 5 साल में 25 लाख बनाते थे, हम 5 साल में 1.5 करोड़ बनाते थे, ये बदलाव है। और इसलिए मैं समझता हूं हमने जो एक नए सिरे से वातावरण बनाने की कोशिश की है, सरकारीकरण से बाहर निकल करके हमने सरलीकरण को बल दिया है, और यही है हमने देखा है आजादी के इतने सालों के बाद आजाद भारत का जो सपना था, उन सपनों को रुकावटें क्या बनी,
अभाव प्रभाव और दबाव, सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की, या तो कुछ लोगों को अभाव में जीना पड़ा, कुछ लोग प्रभाव के कारण हड़प करते गए और कुछ लोग दबाव के कारण कुछ रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देश का स्वस्थ विकास के लिए अभाव की चिंता सरकार जरूर करे, लेकिन प्रभाव और दबाव के बीच देश के सामान्य मानवी को कुचलने न दिया जाए, और इसलिए हमने उस रणनीति को अपनाया है और उस रणनीति को आगे ले जाने का हमारा प्रयास रहा है। हम सामान्य मानवी के सशक्तिकरण की ओर काम कर रहे हैं। 5 साल पहले करोड़ों घरों के पास बिजली नहीं थी, गैस के चूल्हे नहीं थे, शौचालय नहीं थे। ये छोटी छोटी चीजें, मैं हैरान हूं, कुछ लोगों को लगता है ये कुछ भारत सरकार का काम, उसको तो बहुत बड़ा बड़ा करना चाहिए, बिग रिफॉर्म है, यही बातें होती थी। देश छोटी छोटी चीजों से बदलता है जी। हमें छोटी चीजों के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। हम बड़े नहीं बन गए हैं, हम छोटों के बीच से आए हैं। उन छोटों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बड़े परिणाम ला सकता है, और इसलिए हमने काम करना चाहिए। ये बात निश्चित है कि हमने 5 साल सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में सरकारी तंत्र को उस दिशा में ढालने का भरपूर प्रयास किया है। बहुत एक मात्रा में परिणाम में नजर आए, लेकिन अब देश का मिजाज ये 5 साल आवश्यकताओं से ज्यादा एस्पिरेशन की पूर्ति का है, और मैं मानता हूं हम भाग्यवान हैं, चाहे हम राजनीतिक जीवन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, व्यापार उद्योग में हो, शिक्षा में हो, कहीं पर भी हो, हम एक भाग्यवान कालखंड में हैं जब हिंदुस्तान का सामान्य मानवी एस्पिरेशन से लेकर के जीता है। और जब जन सामान्य के अंदर एस्पिरेशन होता है, तब काम की गति बहुत बढ़ती है, विकास बहुत तेजी से होता है। ये सौभाग्य के पल आए हैं, और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम कोई भी निर्णय करें, जन सामान्य के जो एक्सेलरेशन ऑफ एस्पिरेशन है, उसके अनुरूप हम अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं क्या। ये समय की मांग है, और मैं मानता हूं कि उस दिशा में जाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। मैं हैरान हूं, नकारात्मकता विरोधवाद इस हद तक गया, शौचालय की बात उसकी मजाक उड़ाओ, स्वच्छता की बात उसकी मजाक उड़ाओ, जनधन अकाउंट उसकी मजाक उड़ाओ, योगा का कार्यक्रम उसकी मजाक उड़ाओ, मेक इन इंडिया उसकी मजाक उड़ाओ, यानी एक प्रकार से हर चीज में नकारात्मकता को देश ने भली भांति देखा है, और भली भांति देश की जो हम तो नहीं दे पाए, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में हमको तो कौन बोलेगा इसके लिए भी हाथ पैर जोड़ने पड़ते कि भाई आज मुझे विदेश जाना है, मुझे समय दीजिए, उसमें भी हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। कितना अहंकार है हमारा, कितना अहंकार है। जहां हुआ है उनको मालूम है, सबका दोष नहीं है, जिसका जिस सबका दोष है, और इसलिए ये स्थिति हम लोकतंत्र में एक दूसरे का सम्मान करें। हम जानते हैं यहां हमारा बहुमत नहीं है, हम जानते हैं हमारा बहुमत नहीं है, हम जानते हैं बहुमत हमारा नहीं है, और इसलिए इसलिए जनता जनार्दन ने जो निर्णय किया है उसका गला घोंटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति, 5 साल हमने लगातार सहन किया, देश का नुकसान हुआ हमें दर्द हुआ है, देश का नुकसान हुआ हमें दर्द हुआ है, हमने सहा है, और इसलिए सभापति जी हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता ने अपने एस्पिरेशन पूरे करने के लिए लोकसभा में हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। राज्यसभा का फेडरल स्ट्रक्चर भी कहता है कि उन एस्पिरेशन के अनुकूल हमें सहायता मिलनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को लेकर के हमारे साथ न्याय करेंगे, यही मेरी अपेक्षा रहेगी। हम न्यू इंडिया का जो सपना लेकर के चल रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात, यहां बताया गया कि 2014 तक 2 ट्रिलियन था,
अभी बताया गया 2.8 ही हो गया है, मतलब कि आजादी के इतने सालों में 2 ट्रिलियन हुआ, लेकिन 5 साल के अंदर करीब करीब आधा बढ़ गया। अगर 5 साल में आधा बढ़ सकता है तो आने वाले 5 साल में और बढ़ सकता है। और दूसरा, हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि 5 ट्रिलियन का टारगेट क्यों रखते हो। हमारे मन में ये होना चाहिए कि इस 5 ट्रिलियन के लिए चलो भाई हम मिल करके दौड़ते हैं, 10 काम हमारी जहां राज्य सरकार है वहां हम जरा जोर लगाएंगे, वहां पर हम इकोनॉमी को बढ़े इसके लिए कोशिश करेंगे, जहां आपकी राज्य सरकारें हैं वहां आप कीजिए, हम सब मिलकर करें। हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन की क्लब में जाए, यहां कोई ऐसा नहीं होगा जिसको दुख होगा, हर एक को आनंद होगा। और इसलिए सकारात्मक विचारों को लाइए, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम वो लोग नहीं है कि जो ये मानते हैं कि बुद्धि बांटने आया तब मैं ही अकेला था। जी नहीं, हम तो आपसे भी सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि देश चलाना है, देश का भला करना है जी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को लेकर के एक नए भारत के लिए चलें। यहां पर और भी कुछ विषय है जिसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें, लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी, वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंसा में दुनिया में टेररिज्म का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ने किया है। मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म इसने किया है। वैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने, चाहे वो घटना झारखंड में होती हो, चाहे वो घटना पश्चिम बंगाल में होती हो, चाहे वो घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए, तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे, तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है, सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोचे हैं, अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगी। और मैं मानता हूं हम उस जिम्मेवारी को निभाएं। राजनीतिक स्कोर के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उसका हम उपयोग करें। और इसलिए और मैं मानता हूं देश के हर नागरिक के सुरक्षा की गारंटी ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, साथ साथ मानवता के प्रति हमारी संवेदनशील जिम्मेवारी भी है, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। और उसी भावना को लेकर हम आगे चलते हैं। और मैं बताता हूं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के हम चले थे, लेकिन 5 साल के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ के जनता जनार्दन ने उसमें एक अमृत भर दिया, वो अमृत है सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये अमृत 5 साल के हमारे कार्यकलाप से देश की जनता ने अमृत रूपी उसमें जोड़ा है। लेकिन हमारे आजाद साहब को कुछ धुंधला नजर आ रहा है। जब तक राजनीतिक चश्मे से चीजें देखी जाएगी तो धुंधला ही नजर आएगा जी। और इसलिए मैं समझता हूं
इन राजनीतिक चश्मे उतार करके हम देखना शुरू करेंगे तो धुंधला नजर नहीं आएगा, उज्जवल भविष्य नजर आएगा। और शायद ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही गालिब ने बहुत बड़ी मजेदार बात कही, और आजाद साहब को ऐसी चीजें जल्दी अच्छी लगती है। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। यहां पर हमें काफी उपदेश दिया गया, कभी कभी तो अखबार में चीजें आ जाती हैं, लेकिन जब मेरे सांसदों की मंगलवार को मीटिंग होती है, मैं सार्वजनिक रूप से बोलचाल में जो कुछ भी करते हैं उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता हूं, सुधारने का प्रयास करता हूं। यहां पर हमें आज समझाया गया कि फलाने ने ऐसा किया था, ढिकने ने ऐसा किया था, अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया गया था और एक इंडिपेंडेंट को कैंडिडेट बना करके जीता दिया गया था। अब वो तो कुछ पार्टियों का इतिहास है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी हरा देते हैं तो ये तो अपने अपने राजनीति है, और वे बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। इसलिए ऐसे उदाहरणों से और इसलिए इन उदाहरणों के माध्यम से उपदेश देने से पहले जरा अपने घरे बांध में देखें, जब दिल्ली की सड़कों पर गले में टायर लटका करके सिखों को जिंदा जला दिया जाता था, और जिन लोगों के नाम मुखर होकर के आए, हर प्रकार से चर्चा हुई, वो लोग आज भी उस पार्टी में हैं, आज भी उस पार्टी में हैं, सम्मानित पदों पर है, संवैधानिक पदों पर है। अगर यही आपके आदर्श और नीतियां रहती थी तो उपदेश देने से पहले अपने घरों में झांकने की जरूरत है, और लोग हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं। और इसलिए, और ऐसे तो कई उदाहरण मिलेंगे, राजनीतिक जय पराजय का संकट एक दिन 10 दिन के लिए निकाल देते हैं पार्टी से और फिर गले लगा देते हैं, कई उदाहरण मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम है। और इसलिए कृपा करके उपदेश देने से पहले, लेकिन मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में हमको ऐसे बड़े तिस्मार का नहीं है कि हमको कुछ भी बोलने का राइट मिल जाता है। मेरी पार्टी के सदस्यों भी मैं कहता हूं, हमें कोई अधिकार नहीं किसी के लिए कुछ भी बोलने का, हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, सार्वजनिक जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा, किसी भी दल के, मैं मेरे दल के लोगों को विशेष हक से कहना चाहता हूं, ये शोभा नहीं देता, ये मेरा मत है और मैंने सार्वजनिक रूप से इसको कहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कभी न कभी सुधार भी होगा और हम कोशिश करते रहते हैं। यहां पर एक ही चिंता का विषय क्रेडिट का, बड़ा भारी है, हम तो सब क्रेडिट आप ही को दिए भाई, तभी तो आए हैं, आप ही का तो पराक्रम था, तभी सब आया, वरना वो कौन जानता था जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, या एनआरसी की चर्चा हुई, क्या उसकी क्रेडिट आप नहीं देंगे? क्यों भाग रहे हो भाई, आप भी तो उसकी भी तो क्रेडिट लीजिए। राजीव गांधी उस सरकार ने असम अकॉर्ड में एनआरसी स्वीकार किया था, एनआरसी उस समय का है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हमको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हम लागू कर रहे हैं एकॉर्ड, क्रेडिट लीजिए ना, हम वोट भी लेना है और क्रेडिट भी लेनी है, फिर आधा बोलना और आधा छोड़ना ऐसा नहीं चलता है जी, खुद तो जरा खुद तो खुल करके बात बताइए। और हम बताते हैं देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे, हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं। यहां पर
सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा। और ये बात हम सब मानते हैं, हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। हमारी सोच है, गलत हो सकती है हमारी सोच, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृह मंत्री बनाया था। सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। वो शुद्ध कांग्रेसी थे। लेकिन मैं हैरान हूं, अच्छा जब गुजरात में चुनाव होता है तो सरदार साहब पोस्टर में दिखते हैं, लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आते। आप ही की पार्टी के थे भाई, क्या तकलीफ है आपको? लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी ने जिसका गृह मंत्री बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कम से कम एक बार जाकर के जरा श्रद्धा सुमन देकर के आ जाए। सरदार साहब कांग्रेस के थे, आप ओन कीजिए ना, आप ओन कीजिए। और मैं चाहूंगा गुलाम नबी जी कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। देखिए कभी क्या होता है, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, हमारे यहां पुराने नियम कैसे चलते हैं। कहीं डैम होगा, एयरपोर्ट होगा तो कहते फोटो निकालने की मना है। अब आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो स्पेस में से गली में खड़े हुए स्कूटर के नंबर की फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने कानून पलट के पड़े हैं। तो जो सरदार सरोवर डैम जब ओवरफ्लो होता था, तब तो बना नहीं था तो ओवरफ्लो होता था, उधर दिग्विजय सिंह की सरकार चलती थी, तो ये लोगों को जना जाने नहीं देते। ऐसे में ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा नियम बंद करो भाई और लोगों को आने दो और फोटो भी निकाल ले दो। शुरू किया, फिर ये तय किया कि अच्छा टिकट रखा थोड़ा, ताकि थोड़ा हिसाब किताब रहे, लोगों का पार्किंग वार्किंग व्यवस्था हो। फिर ये कहा कि जब 5 लाख वा नंबर होगा, जो 5 लाख वा विजिटर होगा उसको हम सम्मानित करेंगे। और मुझे खुशी से कहना है कि जो 5 लाख वा नंबर का इनाम प्राप्त करने वाला बारामुल्ला का कपल था, जो शादी के बाद निकला था और वहां उसने फोटो निकली। देखिए चीजों को कैसे बदला जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी कभी सरदार साहब के स्टैचू पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी करे जी, वहां अच्छा लगेगा, कांग्रेस के थे जी, हमें तो देश के महापुरुष के नाते हमने तो जो श्रद्धांजलि देनी है हम देते रहेंगे। मैं हैरान हूं, आजाद साहब आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे, कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट और जागरूकता अभियान दोनों में थोड़ा अंतर करना चाहिए। जो बिहेवियरल चेंज का विषय होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता चाहिए। आप बच्चों को कहो भी हाथ धोकर के खाना खाओ, उसके लिए अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ता है, खर्चा तो सरकार को देना पड़ता है, लेकिन वो सरकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी। आपको भी जब एपिडेमिक हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि भाई इस एपिडेमिक में गर्म पानी उबाल के पियो, डिकना करो, फलाना करो, देना पड़ता है। इसको अगर आप एडवर्टाइजिंग कहें, बेटी बचाओ के साथ इसके साथ जोड़ दें, ठीक नहीं कर रहे हो आप तो, कम से कम ऐसा मत करो, इतने साल आप सरकार में रहे हो। लेकिन दुख तब होता है कि मनरेगा के नाम पर कोई मिट्टी उठा करके फेंकने जा रहा है। 3 साल तक देश को एडवर्टाइजिंग किया गया, मनरेगा वो कोई बिहेवियरल चेंज का काम नहीं था, लेकिन एक नेता को प्रस्तावित करने के लिए सरकारी खजाने से एडवर्टाइजिंग किया गया था, इसको देश भूल नहीं सकता है। लोगों को हाथ धोकर के खाना खाओ, ये बिहेवियरल चेंज का। इसलिए हम जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान को बिना अंतर देखे, वरना तो देश में बदलाव लाने का काम कैसे करोगे जी, कैसे करोगे? और इसलिए मैं समझता हूं कि यहां आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाए गए। पिछले 5 साल में
सभी राजनीतिक दलों के एमपी एक बात को लेकर के मुझे लोकसभा और राज्यसभा के जब भी मिले हैं मेरी बधाई की है, मेरा अभिनंदन किया है। किस बात के लिए? अपने इलाके से किसी बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री राहत कोष से उसको मदद मिले। मैंने नियम बनाया था 100%, कुछ मत देखो भाई गरीब के लिए, और करीब करीब सभी दल के सभी एमपी मेरे पास आते थे। आयुष्मान भारत योजना की ताकत क्या है वो उस एमपी को मालूम है जिसने अपने इलाके के उस गरीब को मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी ली। आज करीब करीब जीरो चिट्ठी हो गई उसी एमपी की चिट्ठी है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आयुष्मान भारत से फायदा मिल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। यह बड़ा बदलाव। अब उस आयुष्मान भारत 30 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई नेगेटिव चीज हमारे ध्यान में आई है, कुछ कमी ध्यान में आई, मैं बताता हूं हम सब मिलकर के उसको सुधारें। आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए, आयुष्मान भारत योजना को जितना हम सशक्त बनाएंगे सच्चे अर्थ में इस देश के गरीब को हम और गरीब होने से बचा सकते हैं। वरना गरीब अगर न्यू मिडिल क्लास की दिशा में जा रहा है, पैर रखना है, घर में एक बीमारी आई उसकी पूरी 20 साल की मेहनत पानी में चली जाती। हम बहुत बड़ा मानवता का काम होगा, इसलिए आयुष्मान भारत की आलोचना करने के बजाय, और इसकी क्रेडिट मोदी ले जाएगा, अब मिल गए भाई, हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, आप काम करो। 2024 के लिए नए काम लेकर के जाने वाला हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जरा हम करें। यहां पर बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है, हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है, उन विफलताओं में से एक विफलता है, और इसको हम सबने गंभीरता से लेना होगा। मैं समझता हूं कि कुछ जगह पे सुधर, जैसे ईस्टर्न यूपी में इन दिनों अच्छी स्थिति नजर आ रही है, फिर भी क्लेम नहीं कर सकते लेकिन अच्छी स्थिति नजर आ रही है। जिन बातों को लेकर के पकड़ा है, टीकाकरण का काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो, सुरक्षित मातृत्व का, इन सारी चीजों पर हम बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो दुखद स्थिति है, मैं राज्य सरकार के नीति संपर्क में हूँ, मैंने हमारे देश के आरोग्य मंत्री को भी तुरंत वहां दौड़ाया था, और मिलकर के मदद कर करके उसमें से जितना भी जल्दी हो सके संकट में से सबको बाहर निकाल सके। पोषण हो, टीकाकरण हो, सुरक्षित मातृत्व हो, आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो, ये सारी चीज़ों का जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे ऐसे संकटों से हम बचा पाएंगे। और आज एक राज्य में है, कल किसी और राज्य में हो सकता है, हमने ही एक प्रोएक्टिव होकर के ऐसी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए काम करना होगा। सबका साथ सबका विकास, ये जब मैं बात करता हूँ ये राजनीतिक स्लोगन नहीं है, हमारे देश में कुछ भूभाग भी है जो विकास से पीछे रह गए हैं। हमने एक 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, पैरामीटर के आधार पर किए हैं। राजनीति के दबाव में ही जीने वाले कुछ राज्यों ने उसमें भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, मैं हैरान हूँ क्यों ऐसा करते हैं, कौन सी राजनीति है इसमें, लेकिन उसके कारण क्या हुआ। वरना ये राज्य, मुझे जब गुजरात में मैं था, हमारे यहाँ कच्छ जिले में किसी को भी अपॉइंटमेंट करे तो काला पानी की सजा हो गई, कोई अफसर जाने को तैयार नहीं। अब तो खैर कच्छ जिला देश के तेज गति से बढ़ने वाले जिलों में आ गया, आज की स्थिति किसी जमाने में ऐसा था। वैसा हिंदुस्तान में हर राज्य में एक दो जिले होते हैं कि वहां पोस्टिंग मतलब वो अफसर बेकार दिखना, इसी उस साइकोलॉजी को बदलने के लिए यंग अफसरों को लगाइए। राज्यों के साथ मेरी बात हुई, यंग अफसरों को लगाया है, और इन 112 जिलों का डैशबोर्ड पर डेली मॉनिटरिंग होता है, कई पैरामीटर पर सुधार आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मेरा मतलब यही रहा है कि जो पीछे रह जाते हैं उनको एक बार एवरेज की स्थिति में ले आए, हम एक बार एवरेज की स्थिति में ले आएंगे तो फिर उनका विश्वास बढ़ेगा, तो वो भी आगे आने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को हमने जितना ध्यान देना चाहिए, किसी न कारण से वो, लेकिन पिछले 5 साल पूरा फोकस किया गया है, एक वातावरण बना है,
हमने इसको और बल देने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली कोई गेन मिलना मांगे को वहां से एक एक एमपी है, इसलिए किसी भी इतनी बड़ी देश की सरकारों को एक एक एमपी, मेरे लिए एमपी का मुद्दा नहीं था। मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इकाई है, और इसलिए पिछले 5 साल हमने काफी, यानी मंत्रियों को कंपलसरी था वहां जाना, और सिर्फ स्टेट कैपिटल पर नहीं, एक रात रुक करके किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना। इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि भौगोलिक रूप से भी देश में सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, और उस दिशा में इन दिनों मैंने अभी सर्वे किया पानी का, करीब 226 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ध्यान में आए हैं जहां पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। किस राज्य में है मेरा मुझसे नहीं है, पैरामीटर के आधार पर अब मैं सबको मोबिलाइज कर रहा हूं, आप सभी, आपकी भी मदद चाहूंगा कि हम पानी के काम को कैसे बल दें, एमपी लेड फंड में भी प्रायोरिटी पानी को कैसे दें, उन कामों को कैसे दें। एक बार हम इस समस्या से देश को बाहर लाए, क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए, और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है ताकि भविष्य में नवी आने वाली पीढ़ियों को पानी के संकट से बचाया जाए। और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय भी अलग बनाया गया है, उसकी दिशा में भी काम हो रहा है। हमारे यहां पहले ही मैंने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी, यहां दिवालिया कानून को लेकर के चर्चा काफी हुई, फ्यूगिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के विषय में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्शी, इस कानून का असर ऐसा है 3 लाख करोड़ रुपया जस्ट कानून बनने के कारण सर बैंकों में जमा वापस आए, 3 लाख करोड़, वरना ये ले जाते थे उनको परवाह ही नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं। अब पता चला है कि हमारी मैनेजमेंट भी चली जाती है, हमारी गाड़ियां और बिजनेस कॉल की टूर भी चली जाती है, कोई इनको और आकर के बैठ जाता है, एक वातावरण पैदा हुआ है। हम इसमें से सकारात्मकता देखें और उसमें से रास्ता निकालने का हमारा प्रयास है, हम सब मिल करके इसको करें, और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रयास किए गए हैं उसका परिणाम मिलेगा। यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है, मैं मानता हूं भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया है कि हम देश को एक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म स्पर्धा का वातावरण राज्यों में बना आवश्यक है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम जिस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, मैंने अभी उसको व्याख्यात किया था, नारा नेशनल एम्बिशन विद रीजनल एस्पिरेशंस, इस नारा के मंत्र को लेकर के मैंने कहा था कि हमने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है क्या इस देश में कुछ ऐसे मुद्दा नहीं हो सकते जिसमें हमारी सहमति हो? ऐसा तो नहीं हो सकता जी, क्या हम उन सहमति मुद्दे के लेकर के देश में एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं क्या? गांधी 150 और आजादी 75 एक अवसर है, हम उसको अवसर के रूप में कैसे लेकर के जा सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन ये राज्यसभा भी क्या उस फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है क्या? क्या कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं? जी नहीं, हम भी उस व्यवस्था का एक पुर्जा है, और लोकसभा देश की जनता ने चुन करके भेजा, लेकिन चूंकि यहां नंबर नहीं है इसलिए हर काम को हम रोक के बैठेंगे। ठीक है, हमें नीचा दिखाने में आपको आनंद आता है, खुशी की बात है, लेकिन देश का मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। पिछले पांच साल में बहुत से होने वाले काम हम अटका के, आप मुझे बताइए जो बिल लैप्स हुए लोकसभा में क्योंकि राज्यसभा ने पारित नहीं किया, अब वो लोकसभा के अंदर दोबारा होंगे, फिर से लोकसभा में खर्चा होगा, देश के टैक्सपेयर का पैसा लगेगा, घंटों जाने वाले हैं तब जाकर होगा। यही काम हमारी राज्यसभा कर सकती, और ये भी हेल्दी फेडरल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। हम फेडरल स्ट्रक्चर के स्पिरिट को लेकर के राज्यसभा का दायित्व भी बनता है, और मैं समझता हूं कि हमने उस दायित्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारी बात माने या न माने आपकी मर्जी, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा की बात को हमने सबने माना, मुझे भी मानना चाहिए, आपने भी मानना चाहिए, आपने मानना चाहिए। प्रणव दा ने बहुत बड़ी स्पष्ट बात कही थी, इट इज दैट द मेजोरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू रूल
and the minority has got the mandate to oppose. मैं नहीं मानता इसमें कोई मतभेद है, लेकिन राष्ट्रपति जी, भारत पूर्व राष्ट्रपति जी ने आगे कहा, but nobody has got the mandate to obstruct. मैं समझता हूं इस मंत्र को हमने लेकर के चलना चाहिए, तभी जाकर के सच्चे अर्थ में फेडरल सेक्टर, और आप तो राज्यों के जीते जागते प्रतिनिधि हैं, राज्यों के एस्पिरेशंस को आपकी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यहां दल से उठ करके आपके राज्य के हित में आपकी आवाज उठनी चाहिए. ये बात सही है कि भारत जैसा देश है, सब चीजें सब राज्यों को एक साथ मिल जाए ऐसा होता नहीं है, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को शायद मिलना संभव भी न हो, ऐसा होता रहता है, पहले भी हुआ है, लेकिन इसके लिए हम संख्या के बल पर हम देश के सारे कामों को रोक दें. और मुझे मालूम है पिछली बार जब सदन पूरा हुआ तो आनंद जी और गुलाम नबी जी दोनों मुझे कह रहे थे, साहब कुछ करना पड़ेगा, एकाध राज्य का एक इशू और एक एमपी खड़ा होकर के सारा रोक दे तो कैसे चलेगा, ये दोनों मुझे कह रहे थे, और सही बात है. मैं समझता हूं हमने मिलकर के सदन को चलाना, सदन को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, इस काम को लेकर के चलना होगा. मेरा ये भी कहना है कि हमारा ये भी कहना है कि गांधी 150 प्लीज और आजादी 75 एक ऐसी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हमारे पास, ऐसी तारीख है, ऐसी तवारीख है, हम सब मिलकर के एक ऐसा नेतृत्व दे सकते हैं देश को जो जन सामान्य को कुछ न कुछ करने के लिए आगे ले आए, कर्तव्य भाव को जगाएं, हर कोई कुछ न कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो. और हो सकता है अगर स्कूलों में हम इतना सिखा दें कि भाई हाथ धोकर के ही खाना खाएंगे, नियम बनाए, चलिए गांधी 150 मैं मेरे जीवन में नियम बनाता हूं और मैं इसके लिए करूं. कोई कहेगा भाई मैं छोटा बच्चा हूं कुछ भी हूं लेकिन मैं जूठन नहीं छोड़ूंगा, मैं खाना वेस्ट नहीं करूंगा. हमारा किसान के मन में भाव जगे कि भाई मैं पहले जितना यूरिया उपयोग करता था ये मेरी भारत माँ की जमीन की सेहत के लिए मैं 10% यूरिया कम करूं. छोटे छोटे छोटी चीजें, आखिरकार 42 से 47 का कालखंड देखिए, गांधी जी ने ऐसी छोटी 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 चीजों से हर किसी को जिम्मेवार बनाया था. उसी चीज को हमारा नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी मॉडल को लेकर के आज के जमाने में हम कैसे आगे बढ़े, हम तय करें कि हमने कुछ न कुछ छोड़ना है, देश के लिए छोड़ना है, कर्तव्य भाव जगाना है. अगर हम सब मिलकर के नेतृत्व करें जो सपने हैं भारत को आगे ले जाने के, नया भारत बनाने के जो सपने हैं, उसका मॉडल हर एक अपना हो सकता है, लेकिन देश को पुरानी अवस्था में नहीं रखा जा सकता है. देश के युवा पीढ़ी के सपनों के अनुकूल देश को बनाना होगा. मुझे विश्वास है कि जो चर्चा हुई है उसमें से जो श्रेष्ठ है उस अमृत को लेकर के हम चलें, देश की कल्याण के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएं. मैं फिर एक बार इस चर्चा में सबने जो हिस्सा लिया उनका धन्यवाद करता हूं. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद करते हुए, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.